हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनास कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों ने टाइटल में देख लिया है कि ये वीडियो होने वाला है कंपैरिजन वाला वीडियो। जी हाँ, जो कि मेरे चैनल पे अभी तक मैंने नहीं डाला था, तो मैंने सोचा मैं भी आप लोग के लिए कंपैरिजन लेकर आऊँ, इसलिए मैं हाजिर हूँ आप लोग के लिए वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए, तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को भी हिट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जो भी शेयर करने वाली हूँ वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के द्वारा ही शेयर करूँगी। तो फिर मेरा बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है ये, और दोनों ही प्रोडक्ट काफ़ी अफोर्डेबल रेंज के मैं लेकर आई हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और अगर कुछ कमी भी लगती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर बात नहीं करते, लेट्स गेट इन टू द वीडियो। तो फ्रेंड्स, जो प्रोडक्ट्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो हैं ये, देख लीजिए आप लोग। एक है लैक्मे इनविजिबल फाउंडेशन एंड ये है ब्लू हेवन का फाउंडेशन, देख लीजिए आप लोग। ये दोनों फाउंडेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, और जो लोग इन फाउंडेशन को लेना चाहते हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो उनके बहुत ही काम का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लैक्मे इनविजिबल के बारे में फ्रेंड। तो ये इस तरह की ग्लास बॉटल में आता है। अगर हम लोग पैकेजिंग की बात करें तो जैसा आप लोग देख रहे हैं, ये इस तरह की ग्लास बॉटल आती है, थोड़ी सी मैट फिनिश वाली। और इसकी क्वांटिटी की अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स, तो ये है 25 ml की क्वांटिटी इसमें, इस बॉटल की है 25 ml क्वांटिटी। और अगर हम लोग इसकी प्राइस की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका प्राइस है 260 रुपीज़, जो कि इधर मेंशन है साइड में। और अगर हम लोग इसकी शेल्फ लाइफ की बात करें फ्रेंड्स, तो ये है 2 ईयर्स इसकी शेल्फ लाइफ दे रखी है, 2 साल तक आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, 2020 से 2022 तक इसमें दे रखा है यहाँ पर। और इसकी अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स, इसमें एक दे रखा है SPF 8, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें SPF 8 दे रखा है, यहाँ पर इसको मेंशन किया गया है फ्रेंड। और इस तरीके का इसके पीछे इसके बारे में लिखा हुआ है। और दोनों ही ब्रांड, जैसे कि आप लोगों को पता है, मेड इन इंडिया है, तो ये इंडिया के ब्रांड हैं दोनों। तो गाइज, इसके पीछे मेंशन उन्होंने दिया हुआ है कि इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन ऑफर्स परफेक्ट ब्लेंडिंग एंड फुल कवरेज फॉर अ फ्लॉलेस ऑलमोस्ट इनविजिबल फिनिश। ये तो अभी हम लोग जब चेक करेंगे, जब हम लोग लगाएंगे तब पता चलेगा कि कैसी ये कवरेज देता है। और इसमें दे रखा है वाटर बेस्ड है, SPF 8 है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है। एंड इसमें ये भी लिखा है कि शेक वेल बिफोर यूज़, और इसको आपको ट्विस्ट करके ओपन करना है। तो चलिए अभी देख लेते हैं इसको ओपन करके। इसमें शेक करना ज़रूरी है, लिखा हुआ है ये इस तरह से दिया है। और ये देखिए, इसको ट्विस्ट करके हम लोग ओपन कर लेंगे गाइस। और देख सकते हैं आप लोग, इसमें एक स्पैटुला भी दिया हुआ है, ये देख लीजिए, बिल्कुल भी ऐसे टपका नहीं है, ये इसकी कंसिस्टेंसी है। अभी मैं आप लोग को अपने फेस पे भी दिखाऊंगी, मैंने फेस पे कोई भी मेकअप नहीं किया सिवाय लिपस्टिक और काजल के, क्योंकि ऐसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था मैंने कहा, लेकिन फेस पे कोई मेकअप नहीं किया क्योंकि मुझे आप लोग को ये लगा के दिखाना है। गाइस, ये जो फाउंडेशन है ये वाटर बेस्ड फाउंडेशन है, और इसकी शेड रेंज की अगर हम लोग बात करें तो गाइस बहुत ज़्यादा शेड इसमें अवेलेबल नहीं होते हैं, इसमें बहुत ही कम शेड अवेलेबल हैं। और जो मेरे पास शेड है ये है इनविजिबल फिनिश का 01 शेड, जो कि मुझे लगता है कि शायद क्योंकि मैंने ये ऑनलाइन मंगाया था तो मुझे थोड़ा सा लाइटर लगा अपने शेड से, अपनी स्किन टोन से ही थोड़ा सा मुझे लाइटर लगा। हालांकि थोड़ा सा लाइट तो सब लोग लेते हैं ये फाउंडेशन, बट ये मुझे थोड़ा सा लाइट लगा। भी मैं आप लोग को लगा के दिखा दूंगी इसको कि कैसे इसकी क्या फिनिश है, इसका क्या कवरेज है, कैसे ये स्प्रेड होता है नहीं होता, वो मैं अभी आपको सब दिखाऊंगी फ्रेंड। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं ट्रेवल फ्रेंडली है कि नहीं। गाइज, ये ट्रेवल फ्रेंडली मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि ये ग्लास बॉटल है जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और ग्लास बॉटल को अगर हम लोग ट्रेवल में ले जाते हैं तो काफ़ी रिस्क रहता है कि कहीं कुछ सामान गिर ना जाए, कहीं इसके ऊपर कुछ सामान रख दे, कुछ टूट ना जाए इसमें। और अभी हम लोग इसको अप्लाई करके भी देखेंगे गाइज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्लू हेवन फाउंडेशन के बारे में, देख लीजिए आप लोग। ब्लू हेवन फाउंडेशन ये मैंने जो लिया है इसका है ब्लू हेवन फाउंडेशन, इसका जो शेड है वो है क्रीम, सॉरी नेचुरल बेज, इसमें 2 ही शेड आते हैं। और अगर हम लोग उसकी पैकेजिंग की बात करें तो ये भी ग्लास बॉटल के ही पैकेजिंग का है, ये इस तरह के बॉटल में आता है, देख लीजिए आप लोग, ग्लास बॉटल है ये। अगर हम लोग उसकी क्वांटिटी की बात करें गाइस, तो ये है 30 ml की क्वांटिटी इसमें दे रखी है, 30 ml। और इसकी अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो ये उससे काफ़ी कम रेंज का है लैक्मे इनविजिबल से, इसमें इसका प्राइस दे रखा है 90 रुपीज़ पीछे दे रखा है। और शेल्फ लाइफ की बात करें तो इसकी शेल्फ लाइफ भी उससे ज़्यादा है, क्योंकि ये है 3 ईयर्स,
इसमें 3 साल इसकी शेल्फ लाइफ है, आप इसको 3 साल तक यूज़ कर सकते हैं और लैक्मे इनविजिबल को 2 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं, राइट। इसकी क्वांटिटी 25 ml है और ये है 30 ml, ये 25 ml है और ये 30 ml है। और शेड रेंज तो ये है कि दोनों में ज़्यादा शेड रेंजेस नहीं आती हैं, ये भी ट्रेवल फ्रेंडली नहीं है क्योंकि ये भी कांच की बॉटल है। इसको ओपन करके हमने देख लिया है तो ये भी स्पैटुला इसमें भी दे रखा है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि इतने अफोर्डेबल रेंज में जो फाउंडेशन दिया है उसमें ये स्पैटुला दे रखा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि काफ़ी जो महंगे महंगे फाउंडेशन आते हैं कभी कभी किसी में स्पैटुला भी नहीं देते। इसमें भी लिखा है सनस्क्रीन, बट इसमें ये मेंशन नहीं है कि इसमें कितना सनस्क्रीन है। सनस्क्रीन प्लस मैट फिनिश देता है ये भी, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। और अब देखते हैं कि हम लोग इसको लगाकर अपने फेस पे, इस पर भी दे रखा है ब्रांड की एन इजी स्प्रेड ऑयल फ्री फाउंडेशन इनरिच विद विटामिन्स एंड सिलिकॉन्स टू इम्प्रूव नेचुरल टेक्स्चर ऑफ योर स्किन। तो गाइस पहले मैं एक तरफ लगाऊंगी ये वाला और इस तरफ लगाऊंगी ब्लू हेवन वाला, तो पहले मैं ये वाला लगा के देख लेती हूँ। ये मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा लाइट कलर देख लिया आप लोग। कलर बिल्कुल भी मेरी स्किन से मैच नहीं करता है, लेकिन अब लिया है तो मुझे ये काम तो इससे चलाना ही पड़ेगा। मैंने आज मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया है तो ये बहुत अच्छे से नहीं हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ड्राई पैचेस नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ ड्राइनेस लग रही है या कुछ हैवीनेस लग रही है, हैवी भी नहीं है। कवरेज इसकी मीडियम कवरेज है। कंसीलर की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि जिसके डार्क सर्कल्स हैं उनको कंसीलर की ज़रूरत पड़ सकती है इसको लगाने के बाद। बस इसमें अच्छा है, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है लगाने पर, बस आपकी स्किन टोन से मैच होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन यह है कि इसको भी हम लोग काम चला सकते हैं जब आपकी आप खरीद ही लिया है तो। तो ब्लेंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा थिक भी नहीं था और बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं था, ब्लेंडिंग में अच्छे से हो गया ब्लेंड, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई ब्लेंड करने में इसको। अगर मॉइस्चराइज़र लगा करेंगे तो और अच्छा फिनिश देगा ये। तो इसको मीडियम कवरेज आप लोग कह सकते हैं, हाई कवरेज नहीं कह सकते हैं, तो देख सकते हैं आप लोग डिफरेंस। अब इधर हम लोग लगाएंगे ब्लू हेवन वाला फाउंडेशन, वो देखते हैं। तो हम लोग इस साइड लगा लेते हैं ये वाला फाउंडेशन ब्लू हेवन का, और इसका स्पैटुला टाइट है, देखिए वो काफ़ी हिल रहा था, ये नहीं हिल रहा है। इसमें बहुत स्मेल तेज़ लग रही है, थोड़ी देर में चली जाएगी। स्टिक हो गया है, वो सॉरी बिना मॉइस्चराइजर के पैची हो रहा है ये। एक्चुअली मेरी स्किन ड्राई है तो बिना मॉइस्चराइजर के तो ये नहीं दे रहा है अच्छे, कम मॉइस्चराइजर ना लगाने की वजह से इसे इसे ब्लेंड नहीं हो रहा है। एक्चुअली काफ़ी लाइट वेट, ये भी लाइट वेट है ऐसा नहीं है काफ़ी, बट ये बिना मॉइस्चराइज़र के अप्लाई अच्छे से नहीं हो रहा है गाइज, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। हालांकि मैं इसको यूज़ करती हूँ हमेशा मॉइस्चराइज़र लगा कर करती हूँ, लेकिन ये बिना मॉइस्चराइज़र के मैंने आज लगाया तो ये बिल्कुल भी अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ है। और मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइएगा आप लोग जब भी अप्लाई करें इसको। कवरेज है बीबी क्रीम की तरह इसकी कवरेज है, और बिना मॉइस्चराइज़र के अच्छे से अप्लाई भी नहीं हुआ था ये। वैसे मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो अच्छे से अप्लाई होता है ये, नहीं तो मैं अभी मॉइस्चराइज़र लगाकर भी आपको अप्लाई करके दिखा दूँगी। तो गाइज़ मैंने इधर लगा लिया मॉइस्चराइज़र क्योंकि मैंने सोचा आप लोग बिना मॉइस्चराइज़र के दिखा दिया था, तो मॉइस्चराइज़र लगा कर भी दिखा दे रही हूँ। मैंने पूरा फेस वॉश किया है और मॉइस्चराइज़र लगाया है इस पर, थोड़ा सा प्राइमर अप्लाई किया है। अब मैं देखती हूँ कि ये कैसे अप्लाई होता है। ब्लेंडिंग में बहुत फ़र्क पड़ गया है मॉइस्चराइज़र लगाते ही।
साइड यू कैन ईजली सी द डिफरेंस। यहाँ थोड़ा सा कवरेज ज़्यादा आप लोग को लग रहा है, यहाँ मीडियम कवरेज है। डेफिनेटली आप लोगों को कंसीलर की ज़रूरत पड़ने वाली है। दोनों फाउंडेशन में आपको कंसीलर की ज़रूरत तो पड़ने वाली है। हाँ, ये बिल्कुल लाइट कवरेज दे रहा है, आप थोड़ा सा कवरेज इसका बिल्डअप कर सकते हैं। आप इसको एक बार और अप्लाई करके देख सकते हैं, तो मैं एक बार और अप्लाई हल्का सा करके दिखा देती हूँ आप लोग को, हल्का सा देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, कितना बिल्ड होता है ये। इसकी काफ़ी लाइट कवरेज है, इसके अकॉर्डिंग कवरेज में थोड़ा सा फ़र्क है। तो गाइज अब अगर हम लोग बात करें इनकी स्टेइंग की, तो गाइज 3 से 4 घंटे ये आपकी फेस पर रहते हैं और ऑक्सीडाइज भी होते हैं। और आप अगर हल्की कवरेज चाहते हैं डेली यूज़ के लिए, तो आप लोग ये फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। दोनों मैट फिनिश देते हैं, ग्लॉसी फिनिश नहीं देते हैं। ये अच्छी बात है कि दोनों मैट फिनिश देते हैं, तो गर्मियों में आप लोग इनको अप्लाई कर सकते हैं ताकि, और ये ऑल स्किन टाइप हैं सब, तो आप लोग अगर पहली बार फाउंडेशन यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं अपनी पसंद की बात बताऊँ तो मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद आया है, एंड दिस इज़ द कंपेरिज़न। दोनों अच्छे हैं, बुरा नहीं कहेंगे किसी को भी, दोनों में से कोई भी हाई कवरेज नहीं है। दोनों फाउंडेशन के साथ आप लोग को कंसीलर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और दोनों फाउंडेशन से पहले मॉइस्चराइज़र भी लगाना ही पड़ेगा अगर आपकी ड्राई स्किन है या नॉर्मल स्किन है। ऑयली स्किन वाले मेरे ख्याल से प्राइमर के संग इसको अप्लाई कर सकते हैं इनको, बट फिर भी चाहे आप ऑयली स्किन के हों चाहे नॉर्मल स्किन के, आप लोग को मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना ही चाहिए, क्योंकि बिना मॉइस्चराइज़र के मैंने अप्लाई किया तो बिल्कुल भी अच्छे से सेट नहीं हो रहे थे दोनों जने, दोनों फाउंडेशन। इज़ माई फाइनल रिव्यू अबाउट दीज प्रोडक्ट्स एंड डेमो, आप लोगों ने देख लिया, आप लोग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे और भी वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे और भी वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। मैं इसी तरह के अच्छे अच्छे रिव्यू वीडियो एंड मेकअप वीडियो अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।